Hello student, welcome to Study Point class 9th. So as we informed earlier that our syllabus is going to reduce, but हमें नहीं पता था कि हमारा syllabus कितना reduce होने वाला है, क्या क्या आने वाला है. तो CBSE की तरफ से आज official news आ चुकी है कि हमारे syllabus में से क्या delete हुआ है, हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है. तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपके मैथमेटिक्स क्लास 10th में से क्या टॉपिक डिलीट हुए, हमें क्या पढ़ना है, टर्म 1 टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं. सो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्ड बताया जाएगा टर्म 1 के बारे में, क्योंकि एक्चुअली अभी हमारा ऑल फोकस होना चाहिए हमारी टर्म 1 एग्जाम पे. टर्म 2 तो हमारी अभी नवंबर दिसंबर नेक्स्ट ईयर होगी, तो हमें जो अभी हमारे जस्ट सामने जो एग्जाम है उस पर पूरा फोकस करना है. आपके पूरे 50 नंबर उसके ऊपर डिपेंड है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सिलेबस. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे मैथमेटिक्स क्लास 10th में से टर्म वाइज सिलेबस सेशन 2021 के लिए. तो हमें पता चल गया है कि हमें क्लास 10th में से टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं और कौन कौन से नहीं आने वाले हैं. तो आपके क्लास 10th फर्स्ट टर्म में हमारी यूनिट्स देखे रखी है, जिसमें हमारी फर्स्ट यूनिट है नंबर सिस्टम. इसमें आपका सिर्फ एक ही चैप्टर था जो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा जो अभी तक हमने पढ़ा होगा, वही चैप्टर है. एक चैप्टर जो आपका 6 मार्क्स का आने वाला है. एलजेब्रा चैप्टर में बेसिकली देखें तो 4 चैप्टर आते हैं आपके, 2, 3, 4 एंड 5. बट आपके अभी जो टर्म 1 एग्जाम होगी उसमें सिर्फ आपको 2 ही चैप्टर आ रहे हैं, 2 एंड 3. इसमें से जो जो डिलीट होने वाला है वो हम आपको आगे की फर्दर वीडियो में बताएंगे. बट अभी देख लीजिए कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ के जाने हैं. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका एक ही चैप्टर है, डेट इज चैप्टर 7, वो आपको 6 नंबर का आएगा. जो ज्योमेट्री चैप्टर है उसमें से आपके 3 चैप्टर है, वैसे 6, 10 एंड 11. बट आपकी जो टर्म 1 एग्जाम है उसी उसमें अभी आपको सिर्फ एक ही चैप्टर आने वाला है, डेट इज चैप्टर नंबर 6, जो बच्चों को बड़ा टफ 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 लगता है. और ट्रिग्नोमेट्री में आपके 2 चैप्टर आते हैं, बट आपकी टर्म 1 एग्जाम में आपको सिर्फ 8 चैप्टर आने वाला है. और आगे की सरप्राइज आपको पता चलेंगे कि आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है. और मेंसुरेशन जो चैप्टर है उसमें आपके वैसे तो चैप्टर से, बट जो आपको मतलब अभी टर्म 1 एग्जाम है उसमें आपको सिर्फ मेंसुरेशन में आपको सिर्फ 12 चैप्टर पढ़ना है, वो भी आपको 4 नंबर का आने वाला है, वो सरफेस एरिया वाला. और जो स्टेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी उसमें देखें 2 चैप्टर है आपके, 14 एंड 15. बट फॉर गॉड्स सेक आपको इस चैप्टर मतलब इस टर्म 1 एग्जाम में सिर्फ 15 आने वाला है प्रोबेबिलिटी, वो भी आएगा 3 नंबर का. अब देखिए इन सबको मिला के आपके जो टोटल नंबर हो रहे हैं 40 मार्क्स के हो रहे हैं. आपका जो पेपर है पूरा MCQ बेस्ड आएगा, और जिसमें से 10 मार्क्स आपके टीचर के हाथ में है. अब देखिए 10 मार्क्स को आप यू मत समझिए, अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि 10 मार्क्स कैसे डिवाइडेड है और आप इसको कैसे स्कूल से पूरे 10 ऑप्टेन कर सकते हैं. तो आपका ओवरऑल पेपर 50 मार्क्स का होने वाला है. आप एक बार राइट डाउन कर लीजिए कि आपको कौन कौन से चैप्टर आने वाला है आपके फर्स्ट टर्म में. तो हम देखने वाले कि हमारे 10 मार्क्स ओवरऑल कैसे डिवाइडेड है हमारे इंटरनल असेसमेंट के. तो देखिए उसमें जो अभी आपके स्कूल में जो अभी पीरियोडिक टेस्ट होने वाले होंगे या फिर हो गए होंगे वो 3 नंबर के आने वाले हैं. जो मल्टीपल असेसमेंट आपको स्कूल से दिए जा रहे होंगे वो 2 नंबर के आएंगे. और वो जो पोर्टफोलियो बनते हैं हम PDF मतलब जैसे बनाते हैं ना पोर्टफोलियो जो अलग अलग सब्जेक्ट के, वो आपके ओवरऑल 2 नंबर के होने वाले हैं. और जो प्रैक्टिकल स्कूल में एक्टिविटीज हो रही है ना, जैसे कुछ मतलब ऑनलाइन एक्टिविटीज हो रही है आपके स्कूल में जिसमें आपको प्रेजेंटेशन देनी है, ये सब आपकी 3 नंबर के आने वाली है. तो इनको लाइटली मत लीजिएगा. हो सके तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप ओवरऑल पूरे के पूरे नंबर अपने टीचर से स्कूल से ग्रैब कर सके. तो ये 10 नंबर्स आपके ऐसे कैसे डिवाइडेड है. तो अब हम हमारे मेन वर्क पर आते हैं कि हमें क्या पढ़ना है आखिर. तो हमारा यूनिट फर्स्ट नंबर सिस्टम में से हमें ये जो दिया गया है ना, जो CBSE की तरफ से ऑफिशियल PDF आई है उसमें हमें बताया गया है कि हमें क्या पढ़ना है. जैसे आपको रियल नंबर में से ये पढ़ना है, ये सब पढ़ना है. तो हमें क्या पढ़ना है इसकी जगह हम देखते हैं कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो एक्चुअली थोड़ा सा छोटा है. तो अब हम देखने जा रहे हैं आपके क्लास 10th में से क्या रिड्यूस हुआ है. तो ये आपका कंटेंट है जिसमें आपके यूनिट्स देके रखी है, चैप्टर देके रखे. तो आपको रियल नंबर में से यूक्लिड डिवीजन लेमा नहीं पढ़ना है. जो एक्सरसाइज 1.1 आपकी पूरी डिलीट हो चुकी है. जो रिविजिटिंग इरेशनल नंबर है, डेट इज वो इस टाइप का क्वेश्चन थे ना, प्रूव कर रूट री रेशनल नंबर, क्योंकि हमारा पूरा MCQ बेस्ड होने वाला है ना. तो उसमें से आपका एक्सरसाइज 1.3 पूरी डिलीट हो चुकी है. बाकी सब आपको ओवरऑल पूरा चैप्टर स्टडी करना है. चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल, जो बेसिकली बहुत छोटा चैप्टर है आपका, और इसमें से आपका हटा है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, जो हमने पढ़ा है ना डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर, वो वाला जिसमें आपको प्रूफ टाइप के क्वेश्चन थे. तो वैसे MCQ है तो एक्सरसाइज 2.3 आपकी पूरी रिमूव हो चुकी है. अब जो आपका थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसमें था आपकी लीनियर इक्वेशन दी है उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 4 मैथड होती है, जिसमें से जो आपकी फोर्थ मैथड है डेट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड आपकी रिमूव हो चुकी है. अब इसका मतलब
कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड रिमूव हो चुकी है। इसका मतलब ये नहीं कि जिसके एक्सरसाइज में जो पॉलिनोम मतलब इससे रिलेटेड जो हमारी एक्सरसाइज है वो ओवरऑल पूरी रिमूव हो चुकी है। सो एस वी अर्लियर सी कि हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिलीट है और 3.4 हमारी एनसीईआरटी ने हर एक मैथड के लिए हमें अलग अलग एक्सरसाइज देके रखी है। तो इसका मीनिंग ये नहीं कि हमारी एक्सरसाइज 3.4 आपकी पूरी डिलीटेड है। एक्चुअली क्या है कि ये जो आपको डिफरेंट पॉलिनोमियल देके रखे है आपको इन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ट्राई नहीं करना, आपको वो एक मैथड नहीं पढ़नी है। बाकी ये जो इक्वेशंस देख रखे आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं आपके एलिमिनेशन सब्सटीट्यूशन से। और हमारा जो ये वर्ड प्रॉब्लम देख रहे कि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन वर्ड प्रॉब्लम से आपको लीनियर इक्वेशन बनाते आनी चाहिए और आप लीनियर इक्वेशन को तो किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन ग्राफिकल वो आपके ऊपर डिपेंड है, बट बस आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़नी तो उस पर आप अपना टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। जो हमें नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है वो है आपका चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल, वो पूरा फुल आएगा, इसमें से आपका कुछ भी डिलीटेड नहीं हुआ है। वैसे बता दूं तो चैप्टर 4 में से भी आपका कुछ डिलीट नहीं हुआ है, पर ये भी आएगा नहीं। टर्म 1 में आपका 6 चैप्टर आएगा। जो अब हमारे पास है हमारा नेक्स्ट चैप्टर डेट इज चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। टर्म 1 में होल चैप्टर आ रहा है, मतलब इसमें से टॉपिक डिलीटेड है आपका, डेट इज उसका नाम है एरिया ऑफ ट्राइंगल। जो हमने पढ़ा है ना हाफ एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री वो आपकी एक्सरसाइज 7.3 ओवरऑल पूरी डिलीटेड है, आप उस पर मत पढ़िएगा उसको। सो जो अब हमारा पास हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 8 डेट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। जो हम सोचते थे ना कॉस थीटा साइन थीटा क्या होता है वो चैप्टर है हमारे पास ये चैप्टर नंबर 8। इस चैप्टर आपका टर्म 1 में आ रहा है और इसमें से जो आपका टॉपिक डिलीट हुआ है वह है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जो एक्सरसाइज 8.3 वो ओवरऑल आपकी पूरी डिलीट हो चुकी है, और जो एक्सरसाइज 8.4 इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन ही सॉरी 3 नंबर का क्वेश्चन आपका डिलीट हुआ है, मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ चुकी है। सो जो हमारी मेन चीज थी 8.4 में हमें एक्सरसाइज मतलब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना है ये वाला, क्योंकि ये भी कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड टाइप क्वेश्चन है। सो जो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है जो आपका टर्म 1 में आ रहा है वो 12 चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें टर्म 1 में पूरा चैप्टर आएगा जिसमें से आपका टॉपिक डिलीट हुआ है एंगल 120 वाला क्वेश्चन। इसमें आपके ऐसे कुछ थे 80 और 90 वाले जिसमें 120 वाला आपका डिलीट हो चुका है। सो हमारा जो 120 वाला टॉपिक था जो हमारे डिलीट हुआ 12 चैप्टर में से उससे रिलेटेड हमारे पास ये एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3 इतना बड़ा वो आपका डिलीट हो चुका है, आपको यह नहीं पढ़ना है। सो आप इस पे सब बड़ा सा मार्क कर सकते हैं, आपका डिलीट हो चुका है। तो जो लास्ट चैप्टर है हमारी टर्म 1 का डेट इज प्रोबेबिलिटी वो आपको पूरा फुल आ रहा है। ये चैप्टर दिखता तो छोटा सा है बट एक्चुअली ये जो कंसेप्ट अपने अंदर पकड़ के रखा है वो बहुत ज्यादा है, तो आप इस चैप्टर पे भी ध्यान दीजिएगा। ये आपका ओवरऑल आपके शायद ये पूरा 3 तो इसको मामूली मत समझिएगा, इसको भी आप अच्छे से पढ़िएगा, फुल चैप्टर है आपका टर्म 1 में आ रहा है ये। तो मैं अब आपको ऑप्शनल के जो कुछ क्वेश्चन डिलीटेड है वह बताने जा रही हूँ। आपका जो चैप्टर नंबर 7 था आपका ज्योमेट्री उसमें से आपके ऑप्शनल के क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 आपके डिलीट हो चुके हैं तो आपको वो नहीं पढ़ना है। जो आपका चैप्टर नंबर 2 था उसमें जो ऑप्शनल में से क्वेश्चन है आपका फर्स्ट एंड सेकंड वह आपको नहीं करना है। बाकी ऑप्शनल के क्वेश्चन हमें कई बच्चे बोलते हैं कि वो नॉट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम करें कि नहीं करें, तो एक्चुअली स्टूडेंट आप सिर्फ उन्हें एक बार के लिए जो पढ़ लीजिए तो आप शायद आप कॉन्फिडेंट फील करें कि हमें हाँ हमें ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं, सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए करें उन्होंने हो सके तो सॉल्व कर लिया अगर टाइम हो तो। सो देखिए अब हम आप बोलोगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, इतना पढ़ना है इतना नहीं पढ़ना है कहाँ से पढ़ना है, तो एक्चुअली आप मेन फोकस अभी अपना कीजिए एनसीईआरटी पर, एनसीईआरटी, क्योंकि अगर आपके फंडामेंटल क्लियर होंगे तो आप एमसीक्यू आराम से सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि एमसीक्यू जो रहते हैं ना वो एकदम से सॉल्व नहीं होते, एकदम से बच्चे का बेस नहीं बनता है, तो आप पहले एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को पूरे उसके कंसेप्ट को समझिए, फिर आप अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन ट्राई कीजिए, फिर देन आरडी शर्मा आरएस अग्रवाल के एमसीक्यू ट्राई कीजिए। देखिए स्टूडेंट ये वही है जो मैंने आपको बताया, बस इसमें बताया गया है कि आपको क्या स्टडी करना है, मैंने आपको बताया आपको क्या स्टडी नहीं करना है। जो मैंने आपको एनसीईआरटी बुक में शो किया ना टॉपिक ये सब वही लिखे कि आपको क्या पढ़ना है, मैंने आपको इजीली स्टेप में बता दिया आपको क्या नहीं पढ़ना है। देख लीजिए एक बार फिर भी आप इसको कि आपको ये पढ़ना है। ट्रायंगल चैप्टर तो बच्चों को डिफिकल्ट लगता है बट इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, आपको ऑलरेडी पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, पूरा ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। ट्रिग्नोमेट्री में भी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ये सब आपको पढ़ना है। तो हमने आपको इजी स्टेप में पूरा क्लियर कर दिया है कि आपको मैथमेटिक्स क्लास 10th टर्म 1 में आपको कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, आपको कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने, कौन कौन सी एक्सरसाइज एग्जाम्पल के क्वेश्चन ट्राई नहीं करने हैं। तो अभी आप अपना पूरा फोकस हमने टर्म 1 एग्जाम पर कीजिए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, तो हम आपको अभी कल परसों में ही आपका टर्म 2 का भी सिलेबस का फुल डिस्क्रिप्शन बता देंगे।